हाय एवरीवन, स्टडी का रिनवे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको किलोग्राम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे दोस्तों, आप मार्केट जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, तो आप 1 केजी ना लेकर के 1 केजी, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 1 केजी से कम ही 100 ग्राम या 50 ग्राम खरीदते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप हिसाब जल्दी से नहीं कर पाते, लेकिन दुकानदार ज्यादा पढ़ा लिखा ना होते हुए भी ऐसे हिसाब को चुटकियों में कर लेता है। यदि आप भी उन्हीं के जैसे हिसाब करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन दिया गया है, 1 केजी सेब का दाम 80 रुपए है, तो 3 केजी 600 ग्राम सेब का दाम क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 केजी का दाम तो इजीली से निकल जाएगा। सबसे पहले हम 600 ग्राम का दाम पता कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 केजी सेब का दाम कितना दिया गया है, तो 80 रुपए। तो डियर, सबसे पहले हम 100 ग्राम सेब का दाम पता कर लेंगे, तो आसानी से ही हमें 600 ग्राम का दाम पता चल जाएगा। और 100 ग्राम का दाम पता करने के लिए करना क्या होगा, 80/10 कर देना होगा, यानी कि 80 में 10 से भाग कर देना है। तो आइए भाग भी कर लेते हैं। 1 जीरो 1 जीरो से कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 8 बचा, यानी कि हमें पता चल गया 100 ग्राम सेब का दाम बराबर 8 रुपए। और हमसे पूछा गया था कि 600 ग्राम सेब का दाम बराबर कितना होगा। डियर फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। यदि 100 ग्राम सेब का दाम 8 रुपए आया है, तो 600 ग्राम सेब का दाम पता करने के लिए क्या करना होगा, 8 × 6 कर देना होगा, यानी कि 8 × 6 = 48। यानी कि दोस्तों, हमें पता चल गया 600 ग्राम सेब का दाम बराबर 48 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 केजी 600 ग्राम सेब का दाम क्या होगा, तो हमने ऑलरेडी 600 ग्राम सेब का दाम तो निकाल लिया 48 रुपए। अब हमें जो है 3 केजी का दाम निकालना है। तो यहाँ देखिए, यदि 1 केजी सेब का दाम बराबर 80 रुपया है, तो 3 केजी सेब का दाम पता करने के लिए करना क्या होगा, 80 × 3 कर देना होगा। 3 जीरो का 0 और 3 × 8 = 24, यानी कि हमने जो है 3 केजी का दाम कितना निकाल लिया, 240 रुपए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, 3 केजी का जो दाम आया है और जो 600 ग्राम का दाम आया है, दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो हमने जो है 3 केजी का दाम कितना निकाला, 240 रुपए। तो यहाँ पर आप 240 लिख लीजिए, 600 ग्राम का दाम कितना निकाला है, 48 निकाला है, तो प्लस में 48 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 8 ही हो जाएगा, 4 × 4 = 8, और यहाँ पर बचा 2। यानी कि दोस्तों, हमने जो है 3 केजी और 600 ग्राम का दाम कितना निकाल लिया, 288 रुपए निकाल लिया। आशा करते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।